हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वायुमंडल की पूरी संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है इसका क्या विस्तार है और इसमें कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं और इन लेयरों में कौन कौन सी घटनाएं होती है, चाहे वो घटनाएँ प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। तो ये बहुत ही इरेलीवेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और हर एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन एक दो पूछ लिया जाता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ब्रह्मांड की पूरी संरचना के बारे में एक नज़र दौड़ा लेते हैं। पृथ्वी के वातावरण में परतों की एक श्रृंखला है। प्रत्येक परत के इनके अपने विशिष्ट गुण हैं, लक्षण हैं। ये जमीनी स्तर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के रूप में ये लेयर मिल जाते हैं। एक्सोस्फीयर जो है धीरे धीरे दूर अंतरिक्ष में फैला हुआ है, यह अनंत तक इसका विस्तार है। शुरुआत करते हैं हम क्षोभमंडल से। क्षोभमंडल जो है ये हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहाँ पे जीवन यानी मनुष्य इस मंडल में मिलते हैं, रहते हैं। सभी मौसम यानी मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है इसी मंडल में होती है। अधिकांश यहाँ पे बादल, कहने का मतलब बादल, बारिश, ये सब इसी मंडल में होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में 99% जल जो होते हैं वो ये जो वाष्प के रूप में क्षोभमंडल में ही आपको मिलेंगे। हवा का दबाव यहाँ पे कम हो जाता है और तापमान जो होता है ठंडा हो जाता है, कहने का मतलब जैसे आप यहाँ पे इस मंडल में आप 165 मीटर की ऊंचाई पे, जैसे इस मंडल से दूर होते जाएंगे हर 165 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर गिरता जाता है। और यहाँ जो यह इसकी जो समुद्र तल से इसकी जो दूरी है क्षोभमंडल की, वैसे कहीं 10 किलोमीटर भी है और कहीं 13 किलोमीटर है। तो अब जहाँ आपको इन दोनों में सबसन दिखे आप वहाँ पे टिक लगाइए। और यहाँ पे जो ध्रुव है, ध्रुवों पर यहाँ इसकी लंबाई जो है 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे जो है वो 18 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ की जो दूरी है, मतलब समताप मंडल का जो विस्तार है, क्षोभमंडल के सिर से लगभग 50 किलोमीटर है। और इस मंडल में सबसे इम्पोर्टेंट एक और लेयर पाया जाता है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है ये आपको पता है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो हमारे एक जीवन का कह सकते हैं कि जो जीव जंतु हैं, जो पृथ्वी पे मनुष्य प्राणी हैं, इनके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। क्योंकि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रे होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, जो मनुष्य जीव जंतु पृथ्वी पे हर प्राणी को नुकसान पहुँचाते हैं, इनसे ये रक्षा करता है। और ये ओजोन मंडल, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ही मिलता है। यहाँ पे भी तापमान वही होता है आपका, गिरते रहता है। और यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है क्षोभमंडल और सप्ताप मंडल के बीच में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम कहाँ मिलती है, क्षोभमंडल और सप्ताप मंडल के बीच, यानी इनके बीच की सीमा के पास ये जेट स्ट्रीम बहती रहती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हवा जो होती है क्षोभमंडल के नीचे अशांति और अप ड्राफ्ट का अभाव होता है, तो ये इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे एक और बात, यहाँ की जो टेम्परेचर है -80 डिग्री सेंटीग्रेड से -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका रहता है। इसके बाद मेसोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल, यहाँ की जो विस्तार है यानी इस मंडल की जो सीमा है वो 85 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे उल्काएं
आपको जलती हुई अवस्था में मिल जाएंगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो उल्काएं पिंड, जो उल्का पिंड होती है अधिकांशतः यहाँ पे जल जाती है। समताप मंडल के विपरीत तापमान एक बार फिर यहाँ बढ़ता है, यानी जो आपका समताप मंडल में है वहाँ पर घटता था, लेकिन यहाँ पे फिर बढ़ता है और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ठंडा तापमान यानी -90 डिग्री यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड इस परत के ऊपर पाया जाता है। हवा बहुत पतली होती है और यहाँ पे जो होता है इस तल पे हवा का दबाव समुद्र के स्तर पर दबाव से, यहाँ के दबाव 1% से कम होता है और ये स्थिति जो है कंटिन्यू रहती है। तो इसमें जो था इतना यही इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा। इसके बाद थर्मोस्फीयर को देख लेते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ हवा की परत है जिसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर उच्च ऊर्जा एक्सरे और यूवी विकिरण जो होते हैं थर्मोस्फीयर में अवशोषित हो जाते हैं। इसका तापमान सैकड़ों या कई बार हजारों डिग्री तक बढ़ जाता है। इस परत में हवा इतनी पतली है कि यहाँ पे मतलब ठंड का एहसास होता है और कई मायनों में वायुमंडल के एक हिस्से के तुलना में थर्मोस्फीयर बाहरी स्थान की तरह भी अधिक है। कई उपग्रह इसके भीतर मिलते हैं इस थर्मोस्फीयर में और ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से आने वाली ऊर्जा की मात्रा इस परत के शीर्ष और इसके भीतर के तापमान दोनों पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। और जो थर्मोस्फीयर का जो शीर्ष होता है ये जमीन के ऊपर 500 और 1000 किलोमीटर के बीच कहीं भी पाया जा सकता है और इसका जो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक भी हो सकता है। और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि अरोरा, नार्दर्न लाइट्स और सर्दर्न लाइट्स कहाँ मिलते हैं? थर्मोस्फीयर में ही मिलते हैं। इसके बाद लास्ट जो है एक बहिर्मंडल है, ये कहाँ मिलता है? थर्मोस्फीयर के ऊपर। वायुमंडल की सबसे ये ऊपरी परत है लेकिन अन एक्सोस्फीयर को पृथ्वी के गैसीय लिफाफे का वास्तविक और अंतिम सीमांत मानते हैं। एक्सोस्फीयर में हवा बहुत पतली है, इस परत को थर्मोस्फीयर की तुलना में और भी अधिक स्थान की तरह बनाती है और यहाँ पे जो अंतरिक्ष है मतलब जो बहुत धीरे धीरे बा अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल से जो हवाएं हैं वो लीक होते हैं, लेकिन इसकी जो कोई स्पष्ट कट यानी ऊपरी सीमा नहीं है और यहाँ की जो सतह की यहाँ की जो कह सकते हैं दूरी है मतलब कि विस्तार है वो 1 लाख किलोमीटर से लेके 1,90,000 किलोमीटर 90,000 यानी 1,90,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये कि बहिर्मंडल का जो विस्तार है वो फिर यहाँ पर अनंत हो जाता है जहाँ इसका अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। एक आपने नाम सुना होगा आयनोस्फीयर, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। आयनोस्फीयर जो है एक अलग परत नहीं है, जैसे कि ऊपर में सारे लेयर के बारे में मैंने डिस्कस किया, जैसे आयन मंडल, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इन्हीं के कुछ हिस्सों की एक श्रृंखला होती है। जैसे जहाँ से सूर्य क्या होता है उच्च ऊर्जा विकिरण ने अपने मूल परमाणुओं और अणुओं से इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है वो ढीला कर देता है और विद्युत आवेश परमाणु और अणु जो होते हैं इस तरह से बन जाते हैं और इसे आयन कहते हैं और इसी को हम आयन मंडल कहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे जो ऊर्जा से उच्च ऊर्जा विकिरण होते हैं ये अपने मूल परमाणु और अणुओं को मतलब इलेक्ट्रॉन को अणुओं से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को ढीला कर देते हैं, परमाणु और अणुओं से इलेक्ट्रॉन को ये ढीला कर देते हैं और विद्युत आवेशित परमाणु और अणु जो होते हैं इस तरह से ये बन जाते हैं और ये आयन मंडल के रूप में कहलाने लगते हैं। और इसके कुछ विशेष गुणों के साथ इस क्षेत्र को क्या किया जाता है समाप्त कर देते हैं हम। तो ये तो जो था हमारी इम्पोर्टेंट इसमें जो डिस्कस थे आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं।
कि ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे बादल की घटनाएं, बारिश की घटनाएं, फिर ओजोन लेयर जो कि यहाँ पे वायुवान सारी से लेयर, ओजोन लेयर मतलब स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर, वायुवान जो उड़ती है ये सारे, मेसोस्फियर में सैटेलाइट और थर्मोस्फियर में जो होती है पहुंच जाती है अनंत, जिसकी सीमाएं हैं 90 किलोमीटर के बाद। तो ऐसी कुछ हमारी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।